हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग देख सकते हो रचना, विधा और उसके रचनाकार। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन मैं बता दूँ, 3 से 4 मार्क में पूछा जाता है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि 3 से 4 मार्क आपको अभी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गाइज देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं इसमें मैंने कुल 20 रचनाएँ छाँट छाँट कर, जो भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको लिया है। और वो किस विधा की रचना है वो भी मैंने लिख दिया है, और उसके रचनाकार कौन है वो भी लिख दिया है। तो सो यार, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में, ठीक है गाइज। खासकर क्लास 10th वाले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइज देख सकते हो आप लोग, सबसे पहली रचना है स्मृति की रेखाएं। देखिए, स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र विधा की रचना है और महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है, इसे लिखा है, ठीक है गाइज। तो स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र विधा की रचना है, महादेवी वर्मा जी ने इसे लिखा है, ठीक है दोस्तों। अगली रचना है क्या भूलू क्या याद करूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना, आत्मकथा विधा की रचना है, जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है गाइज। ये काफ़ी आप लोग एग्जाम में कई बार आप लोग पीछे देखिएगा पूछ चुका है कि क्या भूलू क्या याद करूँ किस विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा आत्मकथा विधा की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक पूछता है कि क्या भूलू क्या याद करूँ या नीर का निर्माण, फिर ये किस विधा की रचना है, विधा की रचना पूछता है, ठीक है गाइज। या इस तरह से भी क्वेश्चन का मतलब पूछ देता है कि एक आत्मकथा विधा की रचना का नाम लिखिए, या फिर इस तरह से भी पूछ देता है कि एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। ऐसे मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो चलिए, अगली रचना आप लोग देख सकते हो, तीसरी रचना का पथ के साथी। देखिए, पथ के साथी रेखाचित्र और संस्मरण दोनों विधाओं में आता है, ठीक है, यानी इसको हम रेखाचित्र और संस्मरण दोनों में मानते हैं, ठीक है। और इसे मतलब इनके जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा जी, ठीक है दोस्तों। तो पथ के साथी रेखाचित्र या संस्मरण विधा की रचना, और किसने इसे लिखा है, तो महादेवी वर्मा जी ने। अगली रचना आप लोग देख सकते हो, चौथी, गेहूं बनाम गुलाब। देखिए, गेहूं बनाम गुलाब निबंध विधा की रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। आप लोग याद रखिएगा गेहूं बनाम गुलाब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध विधा की रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। देखिए, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है विष्णु प्रभाकर की। आप लोग एकदम याद रखिएगा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है, जीवनी विधा की रचना है, ठीक है दोस्तों। आवारा मसीहा विधा की रचना विष्णु प्रभाकर की। अगली रचना आप लोग देख सकते हो, छवी, मेरी यूरोप यात्रा। देखिए, मेरी यूरोप यात्रा यात्रा साहित्य, या जिसे हम यात्रा वृत्तांत विधा बोलते हैं, उस विधा की रचना है, जिसे लिखा है राहुल संकीर्त्यायन जी ने, ठीक है दोस्तों। एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य लेखक राहुल संकीर्त्यायन। तो ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम लिखिए, तो वो आप लिख दीजिएगा राहुल संकीर्त्यायन, ठीक है दोस्तों। अगली आप लोग देख सकते हो, सातवीं रचना है लहरों के राजहंस। देखिए, लहरों के राजहंस जो है नाटक विधा की रचना है, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिए कि लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने, ठीक है। अगली देख सकते हो, अगली रचना है इंदुमती। देखिए, इंदुमती कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक आए, इसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। देखिए, इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी माना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो इंदुमती, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, परीक्षा गुरु। देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है, और इसे लिखा है श्रीनिवास दास जी ने, ठीक है। और देखिए, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जिसके लेखक श्रीनिवास दास हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, दोनों नहीं यार, मैं सभी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, सभी की सभी, ये जितनी है 200 मैं बता रहा हूँ, 200 को आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप इसमें से आधा से अधिक आप लोग को क्लियर भी होगा, ठीक है। चलिए, अगली रचना देखते हैं गाइज। अगली रचना आप लोग देख सकते हो, मेरी असफलताएं। देखिए गाइज, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है गुलाब राय जी की, ठीक है दोस्तों। आत्मकथा के बारे में आई होप आप लोग जानते हो, जैसे मतलब कोई हो गया लेखक अपने मतलब अपने जीवन के बारे में लिखे खुद, तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। और कोई मतलब लेखक मतलब किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखे, तो उसे जीवनी कहते हैं। ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो 10वीं हो गई। अगली आप रचना देख सकते हो, 11 नंबर, अशोक के फूल। देखिए, अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। और एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है, लेकिन ये उपन्यास विधा की रचना है, और वहीं अशोक के फूल जो थी वो निबंध विधा की रचना थी। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि अशोक के फूल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, और बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी
द्विवेदी जी ने ही लिखा है, लेकिन अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है और वाणव्रत की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 13 नंबर अतीत के चलचित्र। देखिए गाइज, अतीत के जो चलचित्र है ये संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में ये भी आता है। ठीक है गाइज, संस्मरण और रेखाचित्र एक हमने ऊपर देखा कि पथ के साथी, उसको भी रेखाचित्र और संस्मरण दोनों में लिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है गाइज, तो पूछ देखिए एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो आप महादेवी वर्मा लिख सकते हैं। या एक प्रसिद्ध रेखाचित्र विधा की रचना, रेखाचित्र कवि का नाम लिखिए या लेखक का नाम लिखिए, तो महादेवी वर्मा आप लिख सकते हो। ठीक है गाइज, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, संस्मरण और रेखाचित्र थोड़ी मतलब ये अलग विधाएं होती है, इतना इनका प्रचलन नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब क्या करते हैं कि जो ये पैटर्न मतलब आपका पेपर बनाने वाले होते हैं वो भी मतलब अधिकांशतः इसको आपके पेपर में दे देते हैं कि एक एक, एक रेखाचित्र लेखक का नाम लिखिए, क्योंकि रेखाचित्र और संस्मरण के बारे में आप तो उतना पढ़ते नहीं, इसलिए वो उसका फ़ायदा उठाकर दे देते हैं। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 14 नंबर सूरज का सातवां घोड़ा। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है धर्मवीर भारती की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है धर्मवीर भारती की। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 15 नंबर कलम का सिपाही। देखिए कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और किसकी, अमृत राय की। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है अमृत राय जी की। ठीक है, देखिए गाइस ये सभी की सभी रचनाएँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये विधा भी इनका सब, ये तीनों फॉर्म आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक के दोस्तों, अगर आपको अभी याद नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने में काफ़ी मजा आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है धर्मवीर भारती की, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। अगली रचना देख सकते हो आप लोग 15 नंबर कलम का सिपाही। देखिए कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है अमृत राय की, ये तो हमने देखा ही। अगली रचना आप लोग देख सकते हो 16 नंबर शेखर एक जीवनी। देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है और किनकी, सजितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, थोड़ा इनका नाम बड़ा है। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है सजितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला 16 के बाद हम 17 देखते हैं। देखिए 17 नंबर रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। देखिए मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य की रचना है किसकी, राहुल संकीर्त्यायन की। गाइज मैंने आपको ऊपर भी बताया कि देखिए राहुल संकीर्त्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य विधा के लेखक है, या यात्रा वृत्तांत विधि से बोलते हैं, तो यात्रा वृत्तांत बोले या फिर यात्रा साहित्य बोले, इस विधा के एक प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, राहुल संकीर्त्यायन, ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ देता है कि एक प्रमुख यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखे, तो वो है राहुल संकीर्त्यायन और इनकी रचना मेरी तिब्बत यात्रा और हमने ऊपर देखा ये मेरी यूरोप यात्रा, दो इनकी ये यात्रा साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद 18 नंबर आप लोग देख सकते हो मैला आंचल। देखिए मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर आप लोग देख सकते हो रचना आषाढ़ का एक दिन। देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश का। ठीक है दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, मोहन राकेश का, और किस विधा की रचना है, नाटक विधा की। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और हमने ऊपर एक देखा और रचना लहरों के राजहंस, जो नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश जी का, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लहरों का राजहंस और एक ये आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है, ये आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली 20वीं और आखिरी रचना है आप लोग देख सकते हो नीर का निर्माण फिर, ये आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो हमने एक ऊपर देखा कि क्या भूलू के याद करूँ और ये एक नीर का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएँ आत्मकथा विधा की रचना है और किनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो गाइज आप लोग इसे ये मैं बता दूं कि क्या भूलू किया याद करूं या फिर नीर का निर्माण फिर, इन दोनों में से क्लास टेंथ में हर साल निश्चित होता है कि एक तो क्वेश्चन ये क्या भूलू किया याद करूं या फिर नीर का निर्माण फिर, इन दोनों में से एक आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है गाइज, ये नहीं पूछता कि किसने इसको लिखा है, विधा पूछता है इसका कि नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। आप इसका उत्तर लिखोगे कि नीर का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। तो गाइज ये थी हमारी 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। मैंने इसको एकदम अच्छे से गाइज एक एक छांट छांट कर मतलब लिखा हुआ। देखिए गाइज आपको ये वीडियो केवल मैंने 8-10 सेकंड में प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसको छांट छांट कर लिखने में गाइज कम से कम मुझे आधा घंटा से अधिक समय लग गया, और फिर वीडियो को भी शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है, एडिट करने में, अपलोड करने में। तो सो यार मेरी मेहनत मतलब बेकार ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक
कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में, जी हाँ गाइज, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी आप अच्छे से इंजॉय किए होंगे। तो बस थैंक यू।